तो देखिए गाइस, ये मेरा टब है। इसमें मुझे ड्रेनिंग होल बनाने की ज़रूरत है क्योंकि टूटा हुआ था। तो मैंने इसमें कुछ कटिंग लगाई है, गुलाब की और ये कनेर की कटिंग, ये भी लग चुकी है, और ये गुड़हल की, इसकी भी हरी है अभी ये कटिंग। तो इस पर भी ये भी लग चुकी है, ये मेरा लिली की लीफ भी लग चुकी है। ये मैंने अभी कटिंग लगाई, इन्हें मैं अलग अलग गमले में शिफ्ट कर दूँगी। और ये मैंने टमाटो के बीज डाल दिए थे, तो मेरा टमाटो का प्लांट भी हो गया है इसमें। ये देखिए, चिली का बीज डाला तो चिली प्लांट भी आ गया है। और अब मैंने इसी टब में एक क्यारी बना दी है, इस तरह से स्टोन लगा के, आप देख सकते हैं। और आज मैं जा रही हूँ धनिया को हम जल्दी ग्रो कैसे करें। हमारी मिट्टी की सॉइल इस तरह की भुरभुरी, मैंने इसकी गुड़ाई कर दी थी, तो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए धनिया उगाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने धनिया को सोक कर दिया था पानी में। सोक किया हुआ धनिया क्या हमारा जल्दी ग्रो हो जाता है, 4-5-7 दिन में। और हम सूखी धनिया लगाते हैं तो उसको लगने में बहुत टाइम लगता है। अब हम ये इसमें पानी में से इस धनिया को इस तरह से इस पर छिड़क देंगे। बाकी खाली स्पेस है, हम यहाँ भी डाल देते हैं तो धनिया वहाँ भी हो जाएगा। हमारे धनिया को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, वो जहाँ सीड्स गिरेगा वहीं पे वो आ जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने अपना धनिया को इसमें टब में स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालेंगे। देखिए, मैंने इसमें से अपनी कुछ मिट्टी, एलोवेरा की जो है बिल्कुल ड्राई है, इस तरह की मिट्टी ही हमें चाहिए, तो मैं इसमें से थोड़ी मिट्टी ले लेती हूँ। धनिया को ड्राई मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। ये खेत की मिट्टी है हमारी, गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। इसे मैंने कंपोस्ट खाद मिलाई हुई है। और आप देखिए, हम ये जो ये मिट्टी हमारी बहुत गीली है और ये हमारी ड्राई मिट्टी है, इसको हम धूप में सुखा लिया था। अब हम इसको इस पर स्प्रेड कर देंगे धनिया के ऊपर। देखिए, इसको हमने कवर कर दिया तरह से। देखिए, सारे धनिया को हम ड्राई सॉइल से कवर कर देंगे क्योंकि हमारी धनिया गीली थी। अभी थोड़ी मिट्टी क्या है उस धनिया के सीड में चिपक जाएगी। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो जल्दी से अंकुरित होके और बहुत जल्दी लग जाएगी। अब यह आप देख सकते हैं धनिया का जो पानी है। अब हम इसको ऐसे, ये जो हमने स्टोन मैंने लगाए हैं इनके ऊपर डालते हुए, इस तरह से मैं पूरे में हल्का हल्का छिड़काव कर दूँगी। इस तरह से हमारा धनिया कितना जल्दी ग्रो होगा, मैं आपको उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैंने आपको धनिया ग्रो करना बताया है। इस तरह से आप भी अपने टेरेस पर धनिया ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह अपने घर में ग्रीन वेजिटेबल को जगह दें, अपने टेरेस गार्डन बनाएँ, किचन गार्डन। तो इस तरह से आप भी अपना धनिया जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जब ये ग्रो होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए
नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें अपना धनिया दिखाऊँगी आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड ऐसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू।